गुड मॉर्निंग फ्रेंड। देखिए हमारे घर की हालत क्या हो रही है। अभी अभी एडिटिंग करके मैं उठा तो सोचा सबसे पहले आप लोगों को दिखा दूं घर का पोजीशन। ये देखिए टाइल्स यहाँ रखा हुआ है भरा हुआ, हमारा ये ड्राइंग हॉल है। और ये नीचे देखिए टूल्स रखे हुए हैं और घर में पूरा डस्ट भरा हुआ है क्योंकि बाहर काम चल रहा है इधर उधर दोनों साइड। और दिन में मजदूर जो होते हैं आते जाते रहते हैं तो दोनों साइड से धूल आता रहता है और हम लोग चुपचाप घर में बंद होते हैं इसलिए हम लोग बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। और वेलकम बैक टू ML लाइफ। और अभी कान छिदाने चले गए तो थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं ना वो। और देखिए जितने भी रिपेयरिंग वर्क है जहाँ जहाँ हमारा घर में खराब है वो सब काम चल रहा है। और बालकनी वालकनी में टूट फूट था वो सब कुछ चल रहा है। तो सारा काम अभी एक महीना लगे, पूरा जनवरी चला जाएगा हमारा, फरवरी भी जा सकता है, मतलब फरवरी का फर्स्ट वीक। इसलिए हम लोग कहीं निकल नहीं पा रहे, छोटे मोटे ट्रिप तो जरूर करते हैं हम लोग। तो आज मैं आप लोग को बताता हूँ एक्चुअली हमारे घर में चल क्या रहा है। जो पूरा रिपेयरिंग वर्क चल रहा है तो अंदर का रिपेयरिंग तो चल ही रहा है, जहाँ जहाँ डैमेज है, जहाँ जहाँ सीलन हो गई उन सब जगहों पे हमने वो वॉलपेपर चिपका के रखे थे। तो अब सब जगह पे रिपेयरिंग करके वाटरप्रूफिंग करके फिर व्हाइट वॉश होने में थोड़ा टाइम होगा क्योंकि ठंड खत्म हो जाएगा उसके बाद व्हाइट वॉश होगा। लेकिन जो अभी हमने काम करवाया है, ये जो हमारा बालकनी आप देख रहे हैं ये पहले इतना ही दूर तक था, इस यहाँ तक था, इससे थोड़ा सा आगे था मतलब 2.5 फीट 3 फीट करीब। और उधर वो ग्रिल डाला हुआ ग्रिल था और ऊपर भी बिल्कुल सेम था। तो हमने क्या किया है इस ग्रिल को हटवा करके, क्योंकि जाली का बना हुआ था जो मतलब यूजलेस था, वो जगह हमारे यूज़ का नहीं था, तो अब हमने उसको पूरा आगे तक कर दिया है। और रिपेयरिंग कराना ही था तो सोचा कि इसको पूरा फिट करा के और इससे हमारा बालकनी चौड़ा हो गया। अब यहाँ टाइल्स वाइल्स लगे, जब लगेगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और कुछ वहाँ वॉश बेसिन के लिए जगह बना लिया है और छत को भी हमने पूरा कर दिया है और लास्ट तक जहाँ तक हमारा घर है तो उसके बराबर कर दिया है। अब ये सेटरिंग है ये हटेगा, उसके ये सारा फिट फाट होगा। अब पूरे बिल्डिंग का भी काम हो गया, जितना टैंक वैंक की प्रॉब्लम थी बाहर से जितनी टूट फूट थी मतलब पूरा बिल्डिंग ही रिन्यू हो गया एक बार। तो हमारा घर भी पूरा अंदर से हो जाएगा बट अभी भी पूरा रेडी नहीं होगा क्योंकि इसके बाद फिर कलर होना बाकी होगा। और कलर अभी ठंड में नहीं कराएंगे तो ज़्यादा ठंड बढ़ लगेगी और सूखने में भी समय लगेगा। तो हो सकता है मतलब कुछ 1-2 महीने के बाद फिर उसके बारे में सोचेंगे। तो एटलीस्ट अभी रिपेयरिंग वर्क सारा करा देंगे तो रिपेयरिंग हो जाएगा, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। ज्ञान दे रहे थे तुम, एक आदमी जब छोटा बच्चा होता है वेदिका जितना तो 500 बार हंसता है एक दिन में। 500 बार हंसती है वेदिका? और 500 बार। और जो जब वो बड़ा हो जाता है तब वो एक दिन में 30 बार हंसता है। मेरे ऐसे लोग? हाँ। अरे मैं तो 500 बार हंसता हूँ। 30 बार। और तुम? मैं 1000 बार हंसता हूँ। और वो मम्मी? हाँ मम्मी एक बार भी नहीं हंसती। मम्मी हंसती नहीं है? मैं सबसे ज्यादा हंसती हूँ। अच्छा हंस के दिखाओ, वो भी गुस्से में हंस रही है लगता है, है ना? है ना, है ना? देखो यहाँ पे हमने वॉल पेपर उखाड़ दिया, कितना मस्त लग रहा है। अभी यहाँ पे प्लास्टर चढ़ेगा। अभी जहाँ जहाँ हमारे सीलन थी सब जगह हमने वॉल पेपर चिपका दिए थे, वही काम अब एक बार सारा काम हो रहा है, सब साफ हो जाएगा, है ना वेदिका? सब साफ हो जाएगा। मैंने खत्म नहीं किया है, तो बिस्किट यहाँ रखा हुआ है, वो चाय के साथ पीने के लिए रखा हुआ है, ऐसे खाने के लिए थोड़ी रखा हुआ है। चीनी खत्म हो गया। चीनी तो हमारे घर कोई खाता नहीं, फिर खत्म कैसे हो गया? 5 किलो चीनी 4 महीने से रखा हुआ था चीनी अभी मैं कितना 1 मंथ हुआ ना मजदूरों के लिए चाय वाय बन रहा है तब जाके अब चीनी खत्म हो रहा है। यूज हो रहा है। छठ पूजा में हमने लिया था 5 किलो चीनी, उसमें से छठ पूजा में कितना यूज हुआ होगा, मुश्किल से 1 या 2 किलो, बाकी सब रखा हुआ था 3 किलो चीनी इसी तरह से पड़ा हुआ था। अभी जनवरी में जो चाय बनाया ना तो उसमें खत्म। चाय का सिलसिला जबरदस्त चला है, हमने भी खूब चाय पिया है। और ठंडियों में चाय पियो गर्म गर्म होकर के, थोड़ा चाय पीने में मजा भी आ रहा था, है ना? वैसे मैं बिना चीनी का चाय पीता हूँ। वेदिका को बनाना है ये, यहाँ पे छेद कर दिए, यहाँ पे तुमने इतना बड़ा छेद किया, यहाँ पे तो कोई भी रुकेगा नहीं, तो गर्म चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो। देखो भाई प्याली भी हमारा जो है अब ये चेंज हो गया क्योंकि सबको मिलता है इसी में, तो हमें भी अब इसी में मिलता है। आइए पिलाने वाली चाय पिला दीजिए हमें, और बिस्किट भी लेके आ गए। ओहो चाय पिला दीजिए, वही काफी है। वेदिका ने अपना रिकॉर्ड कर लिया, ये अपना ब्लॉग बना रही है। मैं भैया का ब्लॉग बना रही हूं। वो धुआं निकल रहा है, इतना मजा आ रहा है। ओ पार्ले जी, चाय देख के पार्ले जी याद आता है। उसको डिप कीजिए,
और खाइए दीपिका करो। नहीं हुआ। वैसे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चाय में बिस्किट को कितने दिन डिप करें कि वो टूटे ना, मुंह में चला जाए। सवाल ये है आज का सवाल। हाँ, आज का सवाल है कितनी बार कितनी सेकंड के लिए डिप करें कि वो मुंह तक पहुंचते टूटे ना। हमें आंसर मिल चुका है, हमें आंसर मिल चुका है। आप लोग अब कमेंट करके बताइए, ट्राई कीजिए, सेकंड काउंट कीजिए और लिख के बताइए। बनाया तुमने, दिल करता है क्या है ये? अच्छा तुम्हारा डॉग है ये? हाँ। पेट और इसका हाउस है ये? हाँ। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाया तुमने तो। और डॉग अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये है फ्लैश, वेरी इजीली, इट इज वेरी क्लेवर एनिमल, वेरी गुड। तुमने लिखा बहुत अच्छे। और वेदिका अपना स्कूल का वर्क कर रही है और हम लोग बना रहे हैं रील्स देखने के लिए इंस्टाग्राम पे। आजकल हम बहुत एक्टिवली रील्स बना रहे हैं हम लोग, और किशोर कुमार के नगमे, मतलब किशोर कुमार के गीतों पे मस्त रील बना रहा, बड़ा मजा आ रहा है बनाने में, है ना। तो इंस्टाग्राम पे एमएल लाइफ पे जरूर फॉलो कीजिएगा, है ना। साथ में मैंने अन्नपूर्णा को भी फॉलो कर लीजिएगा। रील्स पे आइए, रील्स पे चैटिंग भी होगी, आप हमें मैसेज। हाँ, आप इंस्टाग्राम पे लाइव भी आते हैं, लेकिन अभी नहीं आ रहे हैं, इसलिए बहुत बिजी है, थोड़ा साफ सुथरा भी रहते हैं, इसलिए नहीं आते हैं लाइव। फिर 5 से हम लोग लाइव आना शुरू कर देंगे। तो जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं, इंस्टाग्राम पे आइए, हमारे एमएल लाइव को फॉलो कीजिए और रील्स को एंजॉय कीजिए, और साथ में बीच बीच में लाइव भी एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट फरवरी से हम लोग फिर से लाइव आना शुरू करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं हम लोगों से पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए, थोड़ा काम में बिजी रहने से हो सकता है कॉल वॉल रिसीव, जरूरी क्वेश्चन करेंगे तो रिप्लाई मिलेगा। अगर हाय हेलो करेंगे तो हो सकता है कि रिप्लाई ना मिले, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन हो जेन्युइन क्वेश्चन तो हम लोग रिप्लाई जरूर करेंगे। तो इंस्टाग्राम पे आइए। वेदिका का वॉकी टॉकी तैयार हो गया है, इधर से मैंने ऊल लगा दिया है उधर तक। अब वेदिका देखो, आवाज सुनाई दे रहा है क्या? 1 2 3 हेलो 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 हेलो। अब मैं सुनूंगा, अब मैं बोलो बोलो पापा प्यारे हो। ये तो हम लोग निकल पड़े हैं इवनिंग वॉक के लिए, और इवनिंग वॉक के साथ साथ जा रहे हैं हम लोग मछली मंडी सीमापुरी के, और इवनिंग वॉक में मछली लेके आएंगे, फिर मछली बनाएंगे और मछली खाएंगे, मछली ले आएंगे, प्रॉन लाएंगे, वो भी मछली ही है। मैं बोली प्रॉन लेने चलते हैं, तो बोलते वही मछली फिश ले आना, बड़ी वाली ले आना। वेदिका को बड़ी वाली मछली बहुत पसंद है, प्रॉन पसंद नहीं है, लेकिन आज प्रॉन लेंगे क्योंकि एम एन अन्नपूर्णा पे प्रॉन डालना है। एम एन अन्नपूर्णा जो मैडम का चैनल है, तो सोचा है कि प्रॉन डालेंगे, पानी वानी अब चालू हो गया, तो सोचे चलो मछली लेके आते हैं। बहुत दिन हो भी गया, लास्ट मटन खाने जो वीडियो आप लोग पे गया था, मैंने अन्नपूर्णा पे, अगर नहीं देखा तो जाकर देखिए, और उसके बाद आज बन रहा है, टाइम हो चुका है काफी, उस पर प्रॉन की रेसिपी आने वाली है, तो समझ रहे हैं क्या करना है। अगर प्रॉन की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे रेसिपी ब्लॉग नॉनवेज लवर्स आइए। तो वेदिका तुम्हारी दिल की हो गई, क्योंकि मछली हमें जो मिला वो जो तुम्हारा फेवरेट है वही मिला, रोहू मछली। प्रॉन नहीं मिला तो वेदिका खुश है, क्योंकि उसको वही अच्छा लगता है, प्रॉन खाने में मजा नहीं आता है। कोई बात नहीं, अभी ये जाएगी फिश बनाने के लिए, और उसका मुझे वीडियो शूट करना होगा, एडिट करना होगा, आज रात को ही डालना होगा, और ये वाला ब्लॉग भी मुझे अभी रात को ही डाल के शेड्यूल करना होगा। तो कल सुबह में निकलना है, कहाँ निकलना है वो आप नेक्स्ट ब्लॉग में देख लीजिएगा, बट कल सुबह में निकलना है 200 किलोमीटर के रोड ट्रिप पे। ओके, तो बढ़िया ब्लॉग आने वाला है। प्रॉन नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, रहो फिश का देखिए ब्लॉग, तो चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।